हाईवे पर लूट करने वाले युवाओं के गैंग को मानपुर पुलिस ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही पकड़ लिया। इस गैंग को गोलखेड़ा गांव के 21 साल के युवक जगदीश ने तैयार किया था। मानपुर लेबर मार्ग पर रापी गाड़ कर वाहनों की लूट को अंजाम देने से पहले ही पुलिस को सफलता हाथ लगी है। वारदात के पहले ही पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को पकड़ लिया है। इनसे पूछताछ में मानपुर व बड़गुंदा थाना क्षेत्र में मोबाइल व नकदी लूट की वारदात भी कबूली गई है। एएसपी पुनीत गहलोत व एसडीओपी विनोद शर्मा ने बताया कि शनिवार देर रात मानपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि लेबर हाईवे के पास बड़ा तालाब के किनारे कुछ युवा लूट की वारदात की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी हितेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में चार अलग अलग टीम बनाकर बड़ा तालाब के किनारे घेराबंदी कर दबिश दी गई, जिसमें अंधेरा होने से टीम टॉर्च की रोशनी के माध्यम से पहुंची व चारों तरफ से युवाओं को घेर कर पकड़ा, जिसमें पुलिस ने रामकिशन डावर, शिव गावड़, अजय गावड़ व जगदीश भूरिया सहित नाबालिग युवक को पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए तलवार, फालिया, छुरे, नुकीले पत्थर, 5 बांस के लठ, मिर्ची पाउडर आदि जब्त किया है। आरोपियों ने नांदेड़ में बाइक चालक से मोबाइल व 3,000 रुपए लूटे थे। पूछताछ में आरोपियों ने कई वारदातें कबूली हैं। महू से अंजीत मोनू बाथम की रिपोर्ट। सूचना की तस्दीक करने पर घटना स्थल पर पहुंचने पर थाना प्रभारी द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने जो अपनी डकैती की योजना की जो उनकी प्लानिंग थी उसको स्वीकारा। इसके साथ ही उनसे 4 जो मोबाइल जो जब्त किए गए हैं उनमें जो 2 मोबाइल हैं वह विगत दिनों में जो डबल लूट केस हुआ था थाना मानपुर में और थाना बड़गोंदा में वे भी जब्त किए गए। इस प्रकार से मुखबिर की सूचना पर सक्रिय कार्यवाही करते हुए श्री राठौर और उनकी टीम ने न सिर्फ एक बड़ी घटना को अंजाम में लाने से बचाया बल्कि जो 2 डबल लूट हुई थी उनको भी उन्होंने ट्रेस किया।